नमस्कार सर, ये आपके जो लगा हुआ है ना, इसको वर्मी बेड बोलते हैं। मतलब आपको ये तो पता होगा क्यों लगाया है, क्या चीज़ के लिए लगाया है ये? केचुआ खाद के लिए। केचुआ खाद बनाने के लिए लगाया है। अब आपको समझना ये है कि केचुआ खाद को हम लोग इसमें बना कैसे सकते हैं। ये जो बेड है, ये बेड आपको आसानी से काम करने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जो इसकी हाइट है ना बेड की, वो 1 फीट रखी है और 12 फीट इसकी लंबाई है और 2 फीट इसकी चौड़ाई है, और बीच में इतनी जगह रखी है कि आप आसानी से इस बेड के अंदर बैठ सकते हो। इस तरीके से जब आप आसानी से बैठ पाओगे ना, तो आप इसमें जो भी काम करना है आपको मैन्युअल, वो सारे काम आप इसमें कर सकते हो, चाहे कोई भी काम आप करना चाहो। समझ गए मेरी बात को? अब इसमें हम लोगों ने गोबर भर दिया। अब गोबर को आपको देखना है कि गोबर ठंडा है या गर्म है, अच्छा है या नरम है, ये चीज़ चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये पंजा लेना पड़ेगा। ये जो लोहे का पंजा है ना, इस लोहे के पंजे से आप देख सकते हो कि गोबर कितना अच्छा है। जब आप इसको इसमें डालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि गोबर कैसा है। ये देखो, ये पंजा पूरा चला गया, इसमें पूरा चला गया, इसका मतलब ये गोबर बिल्कुल अच्छा है। यानी ये गोबर आपने गिर गाय का गोबर इस्तेमाल किया है तो वैसे भी ये बढ़िया है। अब खास बात ये है कि इसको संभालने का तरीका क्या है। आपने इसको भरा 1 फीट, आगे भविष्य में कभी भी इसको भरे ना आप, तो इसको इतना नहीं भरना है, इसको भरना है ज्यादा से ज्यादा 9 इंची। कितना भरना है? 9 इंची भरना है, करीब करीब इसको ऊपर से 3 इंची खाली रखना है। और ये जो नेट है, ये नेट दोनों तरफ खसकती है। आप चाहो तो इसको खसका के इधर भी ला सकते हो, आप चाहो तो इसको खसका के इधर भी ला सकते हो। यानी आपका काम करने का जो तरीका है इस बेड में चारों तरफ घूम के, वो आप चारों तरफ से इसमें घूम के काम कर सकते हो, बीच में भी आप जाके काम कर सकते हो। मतलब आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और रही बात गोबर डालने की तरीका, तो जैसे अभी तो आपने भर दिया, दोबारा यदि आप इसको खाली होने के बाद दोबारा भरोगे ना, तो भरने का तरीका क्या है कि जो परात है वो परात बाहर से आपको भरनी है और ऊपर से नहीं डालना, उस परात को लेके नीचे से भरना है। शुरुआत में आपने इसमें नीम की पत्ती बिछाई थी क्या? हाँ। कितनी बिछाई थी नीम की पत्ती? थोड़ी बहुत, 1-1 इंच बिछाई थी आपने। आपको पता है नीम की पत्ती क्या काम करेगी? नीम की पत्ती काम करेगी कि जो गोबर आपने डाला है, इसको डालने के बाद जो आप पानी इसमें डालोगे, वो पानी बह के उस वर्मीवास के पाइप से निकलेगा। वहाँ पे एक वर्मीवास का पाइप लगा रखा है उस साइड में, उस वर्मीवास की पाइप से ये पानी, जो एक्स्ट्रा पानी आप डालोगे ना, वो सारा बह बह के निकलेगा। जो निकलेगा उस पानी के साथ में नीम की पत्तियों का अर्क बन के भी निकलेगा। यानी जो पानी निकलेगा उसके साथ में नीम की पत्तियों का अर्क बन के भी निकलेगा। उस पानी को आपको मटकी के अंदर इकट्ठा करना है, और वो पानी एक तरीके से रामबाण औषधि है जो पौधे लगे हुए हैं ना, उन पौधों के लिए। क्योंकि एक तो उसमें क्या है कि गोबर का अर्क हो गया, और दूसरा खास बात क्या है कि गोबर के अर्क के साथ में नीम का अर्क हो गया, ये सारा मिक्स होके उस मटके में इकट्ठा हो गया। मतलब एक तरह की वो दवाई बन गई, जो तरल दवाई होती है ना, वो तरल दवाई बन गई। उस तरल दवाई का स्प्रे आप इन पौधों में कर सकते हो। जो आपका जोजोबा का प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, उस जोजोबा के प्लांट में आप इस दवाई को जो इकट्ठा करोगे मटकी में, उसको आप डाल सकते हो। अब दवाई बनेगी कैसे, खाद कैसे बनेगी, खाद कितना डालना है, कितने दिन पुराना डालना है, और किस तरीके से खाद को हम लोगों को रेगुलर निकालना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो खाद भरना है, वो खाद इसमें 9 इंच से ज़्यादा नहीं भरना। अभी जैसे हम लोगों ने पूरा 1 फीट भर दिया ना, अभी भविष्य में हम दोबारा जब इसको करेंगे, तब 9 इंच हम लोगों को इसमें खाद भरना है। दूसरी बात, इसको ठंडा करने का तरीका क्या है कि जब हम इसमें खाद भरें, तब इसमें एक परत बना के हिसाब से खाद भरें। जैसे आपका ये 9 इंची खाद हमने भरना है या 12 इंची हमने खाद भरा है, तो इसमें आपको क्या करना है, 2-2 इंची खाद डालना है पहले। जैसे एक बार आपने 2 इंची खाद डाल दिया, फिर पानी डाल के इसको ठंडा कर लिया, फिर 2 इंची खाद डाल दिया, फिर पानी डाल के ठंडा कर लिया, फिर 2 इंची खाद डाल दिया, फिर पानी डाल के ठंडा कर लिया। ऐसे आपको 5 बार खाद 2-2 इंची डालनी है और ठंडा करना है, जिससे क्या होगा कि पूरा जो खाद है ना, वो पूरा खाद ठंडा हो जाएगा। जब आपका खाद ठंडा हो गया, तब आपको क्या करना है, या तो हाथ से या पंजे से इसको देख लेना है कि आपका जो खाद है वो वाकई में ठंडा हुआ या नहीं हुआ। ये जो खाद है, इसमें हाथ लगाओ आप, हल्का हल्का देखो, इसमें गर्म सा नजर आएगा आपको, है ना, हल्का हल्का गर्म है ना। तो ये केचुओं के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, ये जो है ये खाद थोड़ा सेंसिटिव है, गर्म है। जब ये ऊपर से इतना सा गर्म है ना, तो ये नीचे और भी गर्म होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है। जब आप पानी डालोगे तो ये खाद परत के रूप में ठंडा हो जाएगा। जब खाद ठंडा हो जाए पूरी तरीके से, फिर आपको क्या करना है, जो ये केचुए हमने दे रखे हैं, ये केचुए हैं,
आप देखिए ये केचुए है, ये आप देख रहे हैं ना, ये केचुए हैं। ये केचुए आपको इस बेड में डालना है, ये देखो आप देख रहे हो ना, केचुए हैं। इन केचुओं को आपको बेड के अंदर डालना है। जब आप इन केचुओं को बेड में डाल दोगे ना, तो ये केचुए अपने आप काम करना चालू कर देंगे। और काम इनका क्या है, खाद बनाने का। मतलब खाद या आप भी नहीं बना सकते और खाद मैं भी नहीं बना सकता, खाद बनाएंगे केचुए। और केचुए की ध्यान रखने के लिए आपको ये काम दिया गया है। मतलब जो आपका मुख्य काम है ना, वो काम ये है कि इन केचुओं का आपको ध्यान रखना है। केचुओं को कैसे डालना है, ये जो बेड है, इस बेड में इस कैरिड से केचुए निकालने हैं। जब खाद ठंडा हो जाए तब आपको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा डालना है। जैसे आपने पहले दिन यदि खाद डाला इसमें और केचुए नीचे चले गए, बेड में नीचे चले गए, तब तो आपका खाद डालना, केचुए डालना अच्छा है। और यदि केचुए नहीं गए नीचे और ऊपर ऊपर ही रह गए, इसका मतलब है कि खाद आपकी नीचे से बहुत गर्म है, जिस वजह से केचुए नीचे नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई ऐसी कमी छोड़ दी है जिसकी वजह से केचुए नीचे नहीं जा रहे। तो आपको थोड़े से केचुए डाल के देखना है। यदि थोड़े से केचुए नीचे चले गए तो फिर दूसरे दिन आपको पूरे केचुए इसमें डालना है। और पूरे केचुए डालने का तरीका ये है कि एक जगह केचुए नहीं डालना, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरी बेड के अंदर डालना है। और पहली बार जब खाद बनेगा तो पहली बार औसतन दोबारा खाद बनने से आपका 30 दिन ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक तो आपका नॉलेज थोड़ा सा कम है, दूसरा क्या है, केचुओं की संख्या कम है। जैसे जैसे वो खाद बनती चली जाएगी वैसे वैसे केचुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जो केचुआ खाद है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में जितनी तरह की खादें हैं उन सब खाद से बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया एक जीव के द्वारा होती है। इसमें एक जीव की प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका बाजार से लाया हुआ कोई आइटम है जिसको आपने उठाया और खेत में डाल दिया। मतलब इसमें जो भी काम करेगा वो केचुआ काम करेगा। यदि केचुआ खाद को खा रहा है और बना रहा है, इसका मतलब खाद बन रही है। और जो आप इस कैरेट में देख रहे हैं ना, इस तरह की खाद बनेगी, बिल्कुल काली भुरभुरी जो खाद है वो इस तरह की खाद आपकी बनेगी। जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये वाली इस तरह की खाद बनेगी, इसको खाद बोलते हैं। मतलब आप कल को कहोगे कि हम लोग किस तरह का खाद निकालें, तो वो इस तरह की खाद आपको निकालनी पड़ेगी। जब ऐसी खाद बन जाए तब आपको निकालनी है, और ये हल्का सा सूखने देना है। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब हम लोगों को जूट वाली बोरी के अंदर इसको डालना है, और छानना चाहें तो हम इसको छान भी सकते हैं। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ इसमें प्रक्रिया क्या है। जैसे आटा चक्की मशीन देखी है ना आपने, आटा चक्की में क्या रहता है, ऊपर अपन गेहूँ डालते हैं और नीचे वो एक थैली लगी हुई रहती है, उस थैली से हम लोग निकालते हैं आटा। यदि मान लो आप आटा नहीं निकालो और ऊपर गेहूँ डाल दो तो चक्की बंद हो जाएगी ना, वैसा ही इसका सिस्टम है। यदि मान लो आपने केचुए भी डाल दिए, पानी भी आप इसमें डाल रहे हो और खाद भी इसमें डली हुई है, लेकिन आप समय समय पे खाद जो बन रही है उसको नहीं निकालोगे ना, तो ये मशीन आपकी बंद हो जाएगी, यहीं रुक जाएगी। ऑटोमेटिक तो नहीं निकलेगा ना खाद, ये कोई मशीन का काम तो है नहीं, ये सारा जो काम है वो मैन्युअल काम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आपको क्या काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे खाद बनती चली जा रही है वैसे वैसे खाद आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप समय के साथ में खाद निकालते रहेंगे ना, तो आपकी जो खाद है ना वो स्पीड से निकलेगी, जल्दी निकलेगी। मतलब जो टाइम लगना चाहिए 60 दिन या 75 दिन का, वो खाद का समय बहुत कम हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, जो एक प्लांट है वो एक प्लांट में 600 किलो गोबर डला हुआ है। इस समय जो डला हुआ है 600 किलो गोबर है, तो 600 किलो गोबर का मतलब ये है कि 12 कट्टे खाद के इसमें डले हुए हैं। और जब ये कच्चा माल आपका पक्के माल में बनेगा तो ये आपके 7 कट्टे खाद के बनने चाहिए। यानी आपको औसत क्या देखना है इसमें, कि जब आपका इससे खाद बनेगा तो वो 7 कट्टे का मटेरियल एक प्लांट से आपका तैयार होना चाहिए। और चलो थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर नीचे भी यदि समझ लें, तो कम से कम 6 कट्टे तो इससे खाद के बनने ही चाहिए, 50 किलो वाले 6 कट्टे इससे बनेंगे, 6 कट्टे इससे बनेंगे, तो कितने हो गए, 12 कट्टे हो गए। 12 कट्टे को और कम समझ लेते हैं, 10 कट्टे समझ लेते हैं। 10 कट्टे इससे तैयार हो गए, 10 कट्टे उससे तैयार हो गए, 10 कट्टे उससे तैयार हो गए, 10 कट्टे इससे तैयार हो गए। कुल मिला के आपके 40 कट्टे खाद के तैयार हो गए। यानी एक प्लांट से यदि 10 कट्टे खाद के तैयार हो रहे हैं, और बाजार में मिलने वाला जो खाद है ना, ये 600 रुपये का खाद का कट्टा मिलता है बाजार में। बाजार में जो लोग बेचते हैं इसको, वो एक कट्टा 600 रुपये की कीमत में बेचते हैं लोग बाग। तो इस हिसाब से आपका एक बार में 6000 रुपये का खाद तैयार हो रहा है। यानी यदि चारों प्लांट से आप बात करो तो आपका एक बार में ये 24000 रुपये का खाद तैयार हो रहा है, जिसको आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। अब ये सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप इसकी देखरेख अच्छी करोगे, आप इसका ध्यान रखोगे, टाइम पे पानी दोगे, टाइम पे आप जो खाद बन रही है उसको निकालोगे,
तो आपका खाद निश्चित रूप से जल्दी बनेगा और वो अच्छा बनेगा। अब आपको कितने दिन में निकालनी है? हाँ, मैं वही तरीका आप समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो दो 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 इंच आपने खाद डाली थी ना, तो निकालने का तरीका, डालने का तरीका तो नीचे से है और निकालने का तरीका ऊपर से है। इसमें जो डले बने हुए हैं खाद के अंदर, वो सारे डले आपको बाहर निकाल के इकट्ठे कर देने हैं, क्योंकि उन डलों से खाद नहीं बनेगी। अब फिर आपको इसमें क्या देना है, हल्का हल्का पानी देते रहना है। मतलब तीन सीजन मेन होती है, एक सीजन होती है गर्मी की, एक होती है सर्दी की, और एक होती है बरसात की। तो हम इस समय जो बात कर रहे हैं, बरसात का टाइम चल रहा है, तो बरसात का सीजन अब धीरे 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 जाने की तरफ है। अब आएगी सर्दी, तो सर्दी के टाइम में हम लोगों को दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो जो नेट से कवर है, तो आधी सर्दी तो ये बचा लेगा, और कुछ सर्दी हम लोगों को और बचानी पड़ेगी। वो कैसे बचानी पड़ेगी, जो जूट वाली बोरी आती है ना, वो जूट वाली बोरी एक पल्ले की करके, यानी डबल बोरी आती है, डबल आता है उसमें, उसको एक पल्ले का करके इसमें गीला करके अपने को बिछाना है। कारण क्यों बिछाना है, जो इसमें केचुए का उत्पादन होगा, जो केचुए बढ़ेंगे, वो केचुए बिल्कुल छोटे छोटे कोकून से तीन तीन चार चार बच्चे निकलेंगे एक से, तो वो बच्चों का जो आकार है ना, वो बिल्कुल धागे के समान होगा। यदि मान लो उन बच्चों को आप खाना और अच्छा पौष्टिक चीज नहीं दोगे ना, तो वो बढ़ेंगे नहीं। तो उनको केचुओं को बढ़ाने का भी तरीका है, एक हम लोग लिक्विड तैयार करते हैं जिसको वर्मी बीटा बोलते हैं, नाम उसका वर्मी बीटा है। वो हम सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों सीजन के लिए कैसे बना सकते हैं, वो आपको घनश्याम जी पूरे तरीके से समझा देंगे, मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हालांकि वो जो बनता है, वो गुड़, बेसन और छाछ के घोल से बनता है, और तीनों सीजन के लिए अलग अलग होता है वो, तो वो चीज अलग है। वो आपको केचुए बढ़ाने के लिए है। खाद निकालने का तरीका और खाद को अच्छा बनाने का तरीका क्या है, एक तो इस गोबर को साफ सुथरा रखना है। जो ये गंदगी आपको दिख रही है ना, इसमें जो डले दिख रहे हैं, इन सारे डलों को हटा लेना है। और फिर क्या करना है, ये जो पंजा दिया हुआ है, इस पंजे से पूरी बेड के अंदर आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं कुरेदेंगे ना, तो ये गोबर नरम नहीं होगा, और जब नरम नहीं होगा तो ये खाद नहीं बनेगी। आप समझ गए मेरे बात को, मतलब ये आपको कुरेदना पड़ेगा, इसमें पानी डालना पड़ेगा, और जो डले हैं वो पूरे हटाने पड़ेंगे। उसके बाद में आप जब इसमें केचुए डाल दोगे, तब आपको क्या करना है, 20 दिन तक कुछ भी नहीं करना। जब आपने शुरुआत में केचुए डाले हैं, तो 20 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना। फिर हर 15 दिन के अंतराल पे आपको दो दो इंच खाद निकालनी है। क्या करना है, जो ऊपर की पूरी बेड है, उसमें टाट की बोरी आपने बिछा दी, फिर नमी आप रेगुलर बनाए रखो, और हर 15 दिन में दो इंच खाद, जैसे दो इंच पहले नीचे से डाली थी ना, अब ऊपर से आपको खाद बनी हुई निकालनी है। हर 15 दिन के अंतराल पे आपको दो दो इंच खाद निकालनी है, और शुरुआत के 20 दिन आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी इसमें। जब आप दो दो इंच खाद निकालेंगे ना, तो आप ये समझ के चलो कि हर दो इंच के अंदर आपके दो कट्टे खाद के निकलेंगे। यदि आप बात करो तो दो इंच खाद का मतलब इतना ही है। यदि कैलकुलेशन कोई लगाए, कोई आदमी समझना चाहे कि दो इंच का मतलब क्या हुआ, तो आप समझ के चलो करीब 2 से 2.5 कट्टे खाद के 2 इंच खाद हो गई, यानी आपने करीब करीब 1200 रुपए की खाद 2 इंच में निकाल ली। अब जब आप ये चीज निकालोगे, तो 2 कट्टे आपके खाद तैयार हो गए हर 15 दिन में। ऐसे अपन ने इसको भरा है 9 इंच, तो ये 5 बार हो गया, यानी 75 दिन तो ये हो गया, और 20 दिन हमारा क्या हुआ, जब शुरुआत में हमने टाइम लिया वो, यानी 75 20 कितने हो गए, 95 दिन, यानी 90 दिन के अंदर हमारा ये पूरा बेड खाली हो जाना चाहिए। जो ये बेड हमने लगाया है, वो केचुए डालने के 90 से 95 दिन के अंतराल पे हमारा ये बेड पूरा खाद बना के निकल जाना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया पूरी जैविक है, मतलब इसमें पूरा जीव का काम है। मतलब इसमें केचुए के द्वारा खाद बन रही है, इसमें हम लोग कोई बैक्टीरियल इस तरह का कुछ नहीं डाल रहे जिसकी वजह से खाद बने। तो इसमें सारी चीज़ आपको आंखों से दिखेगी, आपके पीठ पीछे कुछ भी नहीं होगा। आपको डालना क्या है, जब शुरुआत में आप इसको भर रहे हैं, तो नीचे से भरना है 2-2 इंच, और जब आप खाद निकाल रहे हैं, तो आपको ऊपर से निकालना है खाद। यदि आप खाद नहीं निकालोगे, तो धीरे धीरे केचुए मर जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। कारण ये है कि केचुए जो हार्ड गोबर है ना, उसको नहीं खा पाएंगे, और जब केचुए मर जाएंगे, तो खाद बनना एकदम में से बंद हो जाएगा। अब जो ये प्लास्टिक का प्लांट है, ये प्लास्टिक के प्लांट का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो जैसे है वैसे की वैसे रहेगा। लेकिन आप समझो कि जो खाद है, वो खाद केचुए से बननी है, और केचुए यदि आपके मर गए, तो फिर ये खाद नहीं बनेगी। ये ऐसे जैसे ढेर दिख रहा है ना, वैसे ढेर रहेगा, और इसको आप तभी बढ़ाओगे। जैसे साहब ने जो ये प्लांट लगाए हैं, वो 4 प्लांट लगाए हैं, ये केवल एक ट्रायल बेसिस पे लगाए हैं,
ये केवल देखना चाहते हैं कि जो हमारा आदमी है ना वो इससे खाद कैसे बना सकता है, कितना जल्दी बना सकता है। धीरे धीरे लोग आपसे पूछने के लिए आने लगेंगे, लोग आपसे यहाँ से, हो सकता है भविष्य में इसको बड़े स्तर पे किया जाए तो लोग खरीद कर भी इसको लेकर जाएं। ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं जब आप इसको ध्यान रखोगे। और ये जो बेड है, इस बेड में जो पानी है ना, यदि मान लो डायरेक्ट बरसात भी हो रही है तो आपने देखा होगा पूरा पानी इसके ऊपर नहीं पड़ता है, पूरा पानी में से बहुत सारा पानी बह के साइड में आ जाता है। जैसे आपको देखो इधर बरसात की वो बनी हुई है ना, ये लाइन सी बनी हुई है, आप देखना चाहो तो यहाँ पे एक बरसात की लाइन सी बनी हुई है, इसी वजह से बनी हुई है, जो पानी बह के आया है ना उसी वजह से लाइन बनी हुई है। तो मतलब इसमें मामूली बहुत पानी आता है और मामूली बहुत ही ठंड आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो पूरा कवर्ड है, बस हम लोगों को क्या करना है, अंदर टाट की बोरी डालना है। तो खाद निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब खाद का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये हम लोग अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको पूरा समझ में आया? यदि मान लो मैं आपको ये लिख कर दूँ तो आप कर सकते हो ना इस तरीके से, कि कैसे आपको इसको बनाना है, कैसे निकालना है, कितना निकालना है, कितने दिन से निकालना है, और कितना खाद बनेगा, कितने रुपये का खाद बनेगा, सब कुछ आपको समझ में आया। ये है SDP वर्मी बेड, इसको हम लोग बोलते हैं HDP वर्मी बेड। इसको हम लोग यदि लगाएंगे ना तो कम से कम इसका 5 साल तक उपयोग कर सकते हैं, मिनिमम आप 3 साल तो मान के चलो। यदि आप इसको अच्छी देखरेख करोगे, हालांकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसकी गारंटी कल की भी नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यदि आपकी देखरेख बढ़िया रही तो आप इसका कम से कम 3 साल तक उपयोग ले सकते हो। बस केवल आपकी देखरेख बढ़िया होनी चाहिए। धन्यवाद।